हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956। जो आज की हमारी वीडियो बात, देखो जिन बच्चों ने CRSU जो चौधरी यूनिवर्सिटी जींद में, ठीक है, जिन जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया हुआ, ठीक है, उनका जो एंट्रेंस का रिजल्ट है वो आ चुका है भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इसी के लिए भाई, एंट्रेंस रिजल्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है, और जिन बच्चों का जो एंट्रेंस रिजल्ट में, जिन बच्चों का एंट्रेंस रिजल्ट में जब मेरिट लिस्ट उसमें नाम आ जाता है तो आपने क्या करना है, उनका जो एडमिशन है प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन कब तक चलेंगी आपकी, तो वीडियो हमारी इसी के लिए बात। ठीक है, जिन बच्चों का CRSU में एंट्रेंस होना हुआ था उनका रिजल्ट आ चुका, आपने कैसे चेक करना आपको बताता हूँ। आपने सिंपल चेक करना क्या करना, आपने गूगल पे आना, गूगल पे यहाँ पे CRSU लगाना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में जो इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत इस चैनल पर अपडेट आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना, CRSU लिखना गूगल पे आके, CRSU लिखने बाद यहाँ पे आ जाएगा चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। ठीक है, इस पर क्लिक करना आपने, इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना, नीचे आना है, देखो यह वेबसाइट खुल चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है और नीचे आना है, ठीक हो, यहाँ पर एडमिट कार्ड दिखा दिया है और आपने नीचे आना है। देखो यहाँ पर जो लाइन चल रही हैं, देखो MA पॉलोजी एंट्रेंस, MBA एंट्रेंस रिजल्ट, MA मास्क मिशन, इनमें से आपको एक चीज़ कर दिखाता हूँ आपको किसी का भी। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं कर सकता हूँ MA फाइन आर्ट का एंट्रेंस डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपकी जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपका जो एंट्रेंस रिजल्ट आप देख चेक कर सकते हो आपको कितने नंबर आए हैं। ठीक है, उसके बाद बात बनती है भाई कि मेरिट लिस्ट किस पे कैपे लगती है भाई। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट किस पे लगती है, तो तुरंत इस पे चैनल पर अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी भाई। तुरंत तो इस चैनल को अपडेट कर लीजिए भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। इसके अलावा कोई डाउट है तो हमारे पास कमेंट कर दीजिए भाई। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, थोड़ी वेबसाइट थोड़ी बिजी चल रही है भाई, इसलिए देखो LLM का एंट्रेंस रिजल्ट मैंने वो कराया भाई, डाउनलोड कराया, तो आपने क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने किया एंट्रेंस रिजल्ट की तो PDF चाहिए तो हमारे पास कमेंट कर दीजिए भाई। ठीक है, हमारे मैसेज कर दीजिए उसको। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, मैसेज कर दीजिए हमारे पास व्हाट्सएप पे, तो आपकी जो है जो कि PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएगी। देखो यहाँ ओपन हो चुकी है, हमें डाउनलोड की है या कोई हमें LLM की, ठीक है, 2 ईयर्स का जो कोर्स है इसकी। ठीक है, आपके यहाँ दिखा दिया कास जो, ठीक है, इनकी जो मेरिट लिस्ट, आपके जो मार्क दिया आप, आपके नंबर दिखा दिए। ठीक है, 26 है, 41 है, 24 है, 15 है, 35 है, जो भी है आपके। ठीक है, और आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका फादर नेम है, आपका नाम है, ठीक है, आपके फादर का नेम है, यहाँ पे आपका रोल नंबर है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो आपके कितने नंबर आए हैं। अब हमारी बात आती है, आपको भी ये PDF चाहिए तो हमारे पास कमेंट कर दीजिए, हमारे पास कमेंट कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ से मैसेज कर दिए व्हाट्सएप नंबर पर, आपकी जो PDF आपको आपके व्हाट्सएप नंबर जो है मैसेज कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों ने CRSU में एंट्रेंस रिजल्ट टेस्ट दिया हो, एंट्रेंस दिया हो, रिजल्ट आ चुका भाई। ठीक है, अब हमारी बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हमारी बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आपकी क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है इसका तो मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो भाई देखो, जब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है भाई, मेरिट लिस्ट कैपे लगती है भाई। ठीक है, जिन बच्चों का नाम आ जाता है तो आपकी जो भाई 19 तारीख को 10 बजे आपको क्या होगी, जो मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। और जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है, इन जो जिन बच्चों का एंट्रेंस रिजल्ट में नाम आया, जो आपकी मेरिट लिस्ट आपकी लग जाएगी, आप चेक कर लेना, आपको बता भी दूंगा कैसे ऑनलाइन चेक करनी है। 19 तारीख को जिन बच्चों का एंट्रेंस, ठीक है, 19 तारीख को आपकी जो मेरिट लिस्ट लग जाएगी अभी 10 बजे। ठीक है भाई, उसके बाद हमारी बात आती है किस तक आपकी जो है फीस जमा होगी, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में आएगा 19 तारीख को वाली। ठीक है, तो 19 तारीख की मेरिट लिस्ट की, ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बात सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो सेकेंड मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी 22 को, और आपकी जो फीस जमा होगी, जो जिन बच्चों की सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनकी जो फीस जमा होगी कि 24 से 25 तक आप फीस जमा करा सकते हो। उसके बाद हमारी बात आती है जब किसी वैकेंट सीटें रहती हैं, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, ओपन काउंसलिंग कहते हैं जिसको, आपके ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे किस 27 तारीख को, और ये ओपन काउंसलिंग उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया है उन्हीं के लिए ओपन काउंसलिंग है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और मेरिट लिस्ट आपने कैसे चेक करनी है आपको ऑनलाइन बताता हूँ, इसी में बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है मेरिट लिस्ट, इस पर क्लिक करना आपने। ठीक है, मेरिट लिस्ट पर क्लिक करना आपने, अगली वीडियो बताऊँगा कब, 19 तारीख को वीडियो बना देंगे हम कैसे 10 बजे 10-11 बजे वीडियो बना दें कैसे आपको ऑनलाइन मेरिट लिस्ट आपने कैसे चेक करनी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू।